बाहर आ जाए। नहीं मैम है नहीं। ये देखो पहले एक-एक सील, एक-एक ताले कमो तो पहले एक-एक तो लगाई तो कौन से। ये फैक्ट्री नहीं है, ये एक गोदाम है और हम लोगों को यहाँ पे जवाहर खेड़ा के जो निवासी हैं उन लोगों ने एक शिकायती पत्र दिया था 3 दिन पहले कि यहाँ पर इतना बारूद यहाँ पर वो करा जा रहा है भंडारण, जिससे कभी भी विस्फोट की संभावना है जो सीमा से अधिक है। जिसके क्रम में जांच कराई गई, हमें क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट ये मिली कि हाँ ये सीमा से अधिक है और इतना विस्फोट वो बारूद एक साथ भंडारण करने से जन धन हानि हो सकती है और इसके मतलब ये एक हमारे लिए खतरे का विषय है। इसके क्रम में हमने यहाँ पर आज एक SHO की और RI की टीम भेजी थी, जिससे ये कहा था कि हमें 5 बिंदु पर एक रिपोर्ट तत्काल ला के दें, जिसमें पहला बिंदु ये था कि इनको लाइसेंस यहाँ से मिला है नहीं मिला है, कितनी क्षमता के भंडारण का मिला है, उसमें विस्फोटक यदि किसी प्रकार के खुले हैं या अलग से हैं तो वो किस किस प्रकार के हैं, कितनी मात्रा के हैं, यहाँ पर जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका बीमा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर कोई फायर सर्विसेज का कोई NOC लिया गया है नहीं लिया गया है, यहाँ पर अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पर कर्मचारियों के निकलने और आने जाने या ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस और अग्निशमन के जो वो आएंगे गाड़ियाँ उनके लिए कोई रास्ता है कि नहीं है। इन सारी बिंदुओं पर रिपोर्ट लेने जब हमारी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम आई तो इन लोगों ने बताया कि इनके पास यहाँ कोई मालिक भी नहीं है, कोई मैनेजर भी नहीं है और इनके पास कोई कागज़ भी नहीं है। जिसके क्रम में इनसे पूछा गया कि ये किस तरह खड़े, तो इन्होंने कहा हम सिर्फ मजदूर हैं, हमें एक सिर्फ सूचना मिलती है कि हमें इतना सामान भेज देना और हम भेज देते हैं। यहाँ पर मौके पर यह भी जांच की गई, CO तब इन जब इन लोगों ने हमको और CO साहब को ये बताया कि यहाँ पर सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है तो सूचना पे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर देखा गया कि यहाँ जो अग्नि विस्फोटक सामग्रियों को रखने के जो मानक हैं वो काफ़ी शिथिल पाए गए। यहाँ पर रेत जितना होना चाहिए, पानी होना चाहिए, वो काफ़ी मात्रा में लगभग 10% भी नहीं है जितना मात्रा में होना चाहिए और इसके साथ जो हैंडपम्प लगा है वो भी ख़राब है। इस प्रकार से सुरक्षा मानकों में भारी शिथिलता पाई गई और इसीलिए कि अपने पेपर्स प्रस्तुत कर सके और सुरक्षा मानकों को इन्होंने कितना पूरा किया है नहीं किया है इसके संबंध में ये अपने कागज़ प्रस्तुत कर सके, तब तक के लिए इसको सील किया गया। गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है, इनके मालिकों को ये सूचना कर रहे हैं और ये अपने पेपर्स मंगा के प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं, जिसके लिए इन्हें समय दिया गया। खुद बताया गया है लगभग 2500 से 3000 कनस्तर पटाखे के रखे हैं अंदर, जिसका कि मात्रा मान के चल रहे हैं लगभग एक डब्बे का वेट जो होता है 35 किलो होता है और मूल्य के हिसाब से जो हम लोग अभी मोटा मोटा अंदाज़ा लगा पाए हैं ये 10 करोड़ से ऊपर की सामान है। ETV भारत की खबर का हुआ है बड़ा असर। ETV भारत ने दिखाया था किस तरह उन्नाव में अवैध पटाखों का भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद उन्नाव प्रशासन हरकत में आया और आज प्रशासनिक टीम ने उन्नाव के जवाहर नगर में एक गोदाम में छापेमारी की, जिसके बाद वहां से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए। लगभग 10 करोड़ रुपये के पटाखे उन्नाव प्रशासन ने बरामद किए, जिसके बाद पूरे गोदाम को सीज कर दिया गया है और जो पटाखे गोदाम का व्यापारी है, जो उसका मालिक है, उससे पूछताछ भी जारी है। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ETV भारत।